हाय, what's up homies? आप लोगों ने एकदम सही पढ़ा है, मैं एक स्लंप के अंदर हूँ. स्लंप, a place where you feel extremely demotivated, unwilling and unable to do anything productive and in my case creative, anything creative. नहीं चल रहा कुछ दिमाग के अंदर, बहुत ज्यादा घुस चुका है ये स्लंप मेरे अंदर और मैं स्लंप के अंदर. यहाँ पे स्लंप का इंसेप्शन हो रहा है. मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस. सो आई ट्राई अ फ्यू डम थिंग्स जस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस स्लंप बिकॉज आई डोंट वांट टू बी इन इट एंड आई डोंट वांट यू टू सी दिस फेज ऑफ माइन, दिस फेज एंड फेस ऑफ माइन. आई थिंक द रीजन ये स्लंप शुरू हुआ है इट्स बिकॉज क्योंकि मैं काफ़ी कॉन्टेंट बनाता हूँ. 3 हफ्ते के मैं इंस्टाग्राम पे कॉन्टेंट बनाता हूँ, संडे को मैं यूट्यूब पे कॉन्टेंट बनाता हूँ और बाकी 7 जो है 7 में से 5 दिन मैं नौकरी भी करता हूँ. या सो डू चेक मी आउट ऑन इंस्टाग्राम एट शर्मा जी का पुत्र, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट मेथड यू नो माइट बी जस्ट लिटिल बिट एक्सपेंसिव और थोड़ा इलीगल भी हो सकता है, बट यू नो व्हेन यू गॉट टू डू यू गॉट टू डू, उसका कोई ऑप्शन नहीं है सच, आपको करना ही पड़ता है. एंड एंड द क्रिएटिव फील्ड तो यू नो इट्स मैंडेटरी टू डू ऑल दीस थिंग्स. सो या ये मिल्क पाउडर का डब्बा किसने खुला छोड़ा है? Okay, so by drugs I might not have meant cocaine, but milk, sugar and a lot of caffeine. बहुत सारा कॉफी डालो और गटक जाओ जिस तरीके से मैंने मूवी की शुरुआत के अंदर बनाया था और अब खत्म हो गया भाई. It's finished. It's because I said cocaine. It's because cocaine and coffee come from the same plant. Okay. I have done my research, but the point being कि बहुत सारा कॉफ़ी पियो एंड उससे क्या होगा कि बहुत सारा सडन रश ऑफ एनर्जी आएगा जिससे कि पॉसिबली हो सकता है कि तुम्हें काम करने का मन करे और पॉसिबली ये भी हो सकता है कि तुम्हें कुछ प्रोडक्टिव करने का मन करे. और अगर कुछ प्रोडक्टिव करने का नहीं मन करेगा और तुम्हारे अंदर बहुत सारी एनर्जी है तो आई सजेस्ट नंबर टू बीइंग गो फॉर अ जॉब. आई जस्ट फिनिश्ड माई रन, अभी 2 किलोमीटर भागा हूँ, बट इट्स नथिंग. आई कैन रन 8 किलोमीटर्स, बट इट इज़ वॉट इट इज़. हवा चलनी शुरू हो गई है, ठंड का मौसम आ रहा है, वाजी वाह मुझे ले लो. क्विक टिप्स एज वी डिस्कस्ड, मास्क पहन के भागना, क्योंकि मास्क पहन के भागे तो देयर इज़ अ चांस ऑफ यू कोलैप्सिंग एंड क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाएगा. एंड आई डोंट वांट कोलैप्स, आई जस्ट वांट टू अपलोड यूट्यूब वीडियोज ऑन संडे आफ्टरनून 12, सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग. ऑल्सो कुत्ते भाग रहे हैं, बट दैट्स नॉट रेलिवेंट हियर. वॉट इज़ रेलिवेंट हियर इज टिप नंबर टू कि जब भी कोई आपको अंकल या आंटी भाग के वॉक करते हुए आपकी तरफ, जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, आप ऐसे मास्क पहन लें थोड़ा सा और ऐसे लूज़ रखें जिससे कि ऐसे हो पाए, वरना ये हो नहीं पाएगा. और थर्ड टिप जो है वो ये है कि औकात में रह के भागें, औकात के बाहर भागें तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप अगले दिन भागने नहीं जा पाएंगे और कॉन्टिन्यूटी टूट गई तो फिर लॉलेस तो है ही. एंड या दैट्स दैट, क्योंकि 6 महीने से काफ़ी लोगों ने कुछ एक्सरसाइज नहीं करी एंड देन दे वॉन्ट टू रन, बट दे थिंक दैट दे कैन रन मोर, बट जस्ट डोंट एग्जर्ट योरसेल्फ सो मच दैट यू कांट डू योर वर्क और स्टडीज और व्हाटएवर यू डूइंग राइट नाउ. सो जस्ट औकात ध्यान रखते हुए एकदम औकात. ऑल्सो ये जो है हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, दिस इज जस्ट टिप्स. अपना दिमाग लगा के चलना, कॉमन सेंस इज किंग एंड की फॉर सर्वाइवल. So that and also it's very important to have a bath after you come from your jog because कई लोगों को लगता है कि क्वारंटीन में घर पर रहना तो नहाने की जरूरत है, तो ज़रूरत है भाई. बाहर लोग बेहोश हो गए थे, मैं 3 दिन नहीं नहाया था तो बहुत बुरी हालत हो रहती है, नहाना है. 3 दिन से ध्यान आया. टिप नंबर 3 इज हेड बैंग टू मेटल सॉन्ग्स स्लैश म्यूजिक. सम आर रिकमेंडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. हेड बैंगिंग सिर्फ क्रिएटिव फ्लो के लिए काम नहीं आता, इट ऑल्सो वर्क्स एज अ हेयर ड्रायर. सो एज यू कैन सी माई हेयर आर वेयर एज हेल, आई एम लाइक
अगर आप लास्ट वाली टिप को डाउट कर रहे हैं तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड आई टोटली अग्री विद यू, क्योंकि लास्ट वाली टिप करने के बाद मैं अपने कुछ लाइफ डिसीजंस को डाउट कर रहा हूँ. यू आर स्टिल ऑन वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डाउटिंग योर सेल्फ. मैं अभी काफ़ी ऊंची स्टेज पे आ चुका हूँ. सो आई विल नॉट मेक अप सम टिप्स इन माई माइंड एंड गूगल सर्च देम फॉर यू. सो सो इट क्लियरली सेज दैट पंच समवन, बट अभी मैं किसी को पंच नहीं कर सकता. सो वील से समवन की जगह माई सेल्फ. बिल्कुल वैसी फील आ रही है जैसे फाइट क्लब के अंदर वो जैक जैसे अपने आपको मारता ना, ऐसे अपने अकेले में लड़ रहा होता है. I'm kind of obsessed by Fight Club and the next tip comes here only, that read. अब थोड़ी एक्चुअली लॉजिकल हम टिप्स देंगे, विच इज रीडिंग. थोड़ा सा आई मीन रीड बुक्स, स्क्रिप्ट, सेकेंड पॉडकास्ट सुनो, थर्ड जो भी क्रिएटिव फील्ड के अंदर हो उसमें जितना भी पहले काम हुआ उसको देखो, उसको समझने की कोशिश करो एंड उस पर उससे इंस्पिरेशन लो अगर तुम्हें करने का कुछ मन नहीं कर रहा और तुम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो. क्योंकि क्या है कि अगर तुम कुछ देखते हो इंस्पिरेशनल तो तुम्हें भी इंस्पिरेशन अंदर से आती है. आई थिंक दैट्स अ साइंटिफिक फैक्ट, बट डोंट मार्क माई वर्ड्स एज सच. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरी फेवरेट टिप है और ये टिप है कि जितना सो सकते हो उतना सो, बिकॉज यू नीड टू रिप्लेनिश योर ब्रेन सेल्स टू गेट एनर्जी एंड व्हाट नॉट. सो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो स्लीप, यू नो व्हाट टू डू, मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब. Follow me on Instagram at Sharmaji ke Putra. I upload videos every Sunday at 12. So consider subscribing, as I said. And until next time.